मैं धीरज कुमार पासवान और अभी जो बताने जा रहे हैं जो कि होगा वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है अभी बता रहे हैं। तो देख लो, एक नंबर का तो सब ने जानता है कि एक होता है, कितना होता है कि एक। तो एक का वर्गमूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वर्गमूल तो सब ने जानता है। और देखो ये हुआ वन डिजिट का, कितना डिजिट का, वन डिजिट का। ये तुम्हारा क्या है, सिर्फ वर्ग है। क्या है, वर्ग, अभी कुछ नहीं है। तो अब हुआ तुम्हारा वर्ग, क्या हुआ, वर्ग हुआ, वर्ग हुआ, समझ गया ना। तो वर्ग हुआ ये सब जब वर्ग हुआ, अगर यहाँ देखो एक को पूछेगा को एक के एक को पढ़ लेना है, दो को पूछेगा तो दो का वर्ग क्या है, तो दो के दो को पढ़ लेना है, 2 2 4। अगर तीन का पूछे तो तीने को पढ़ लेना है, 3 3 कितना 9, तीने को 3 बार पढ़ लेना। अगर चार का पूछे, चारे को 4 बार पढ़ लेना है, 4 4 16। अगर पांच का पूछे तो पांचे को पढ़ लेना है, कितना, 5 25। अगर छः का पूछे तो छः के छः को पढ़ लेंगे, कितना बार, 6 6 36। तो सात का पूछे वर्गमूल क्या है, तो 7 का वर्गमूल कितना होता है, 37 37 49, 37 37 कितना 49। अगर 8 का पूछे तो कितना हो जाएगा, 88 64। 9 का पूछे तो 9 9 81। 9 का पूछे तो 9 के 9 को 9 बार पढ़ लेना है, 9 9 81। 10 का पूछे तो 10 के 10 को 10 बार पढ़ लेना है, तो 10 10 कितना 100। अब तो इतना दूर तुमको पता है, अब आगे तुमको, ये तो वन डिजिट का था तब ना बना लिया, तो अब 2 डिजिट का देखते हैं तो कितना होता है, 10 का 10 तो था, तो 2 डिजिट का कितना, 11 12 13 14 15 16 17। तो देखो 2 डिजिट का एक एक को समझ लेंगे तो तुम्हारा बन जाएगा पूरा। तो देखो एक को पूछेगा ना 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 को 11 बार नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो इकाई को वर्ग कर देंगे। इकाई तुम्हारा कितना है बोलो, 1 है, तो इकाई का वर्ग कितना होता है तुम्हारा, 1 का वर्ग होता है 1। और अंदर में गुना कर देंगे, अंदर वाले से अंदर में गुना कर देंगे, तो 1 1 1 के, तो और वो जो वर्ग तो तुम्हारा दिया हुआ है स्क्वायर जो दिया हुआ है पावर 2, तो उससे भी गुना कर देंगे, 1 1 1 के 2 1 2 ए, तो फिर दहाई का होता है वर्ग। क्या होता है, इकाई का वर्ग दहाई का वर्ग, दोनों को दहाई का वर्ग किया जाता है, कितना हुआ, 1 का वर्ग कितना 1 के हो गया। तो अब तो तुम समझ लिया, 1 था 1 था तो निकाल दिया। तो अब 13 बोलो कैसे निकालेंगे, 13 तो वही बोलेंगे। तो देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो फिर देखो तुम्हारा अंदरे में गुना कर दो, क्या कर दो, अंदरे में गुना, तो 3 1 3 है, 3 2 कितना 6, 1 का वर्ग कितना 1 के, तो 13 13 13 9 से। तो फिर देखो तुम्हारा ये तो तुम बना लिया, तो अब 88 का कैसे बनाएंगे तो दिखा दो एक बार करके, तो तब समझेंगे कि यही नियम से बन जाएगा। तो ठीक है बता रहे हैं तुमको, तो 88 कितना होता है 64। तो 8 अंदरे में गुना, 88 64, 64 2 कितना होता है तुम्हारा, 128, कितना होता है, 128। तो 128 में 64 को जोड़ेंगे, 128 में कितना जोड़ेंगे, 88 64 हुआ ना, तो 128 हुआ, 128 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 8 6 14, तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा बोलो, तो 134 हो गया, कितना हो गया, 134, 1300 कितना हो गया तुम्हारा बोलो, 1344 हो गया, कितना हो गया, 1344। अब देखते हैं तुम्हारा, अब तुम निकाल दो 33 का वर्गमूल निकालो, तो नहीं 35 का निकालो,
35 तो हमारे लिए भारी है, तो यही बोल रहा है। तो देखो क्या होता है, 5 का वर्गमूल 25 होता है, कितना होता है 25 होता है, तो 5 या 15, 15 गुना 30, 30 दो 32, 30 दो कितना 32। अब फिर देखो 3 का वर्ग कितना का, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है पता है, 3 का वर्ग 9 होता है, कितना होता है 9, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का 15 15 9 30 30 2 32 30 2 32 हो गया, 3 बचा रहा, तो 3 का वर्ग मूल 9, 3 का वर्ग होता है कितना 9 होता है, 9 2 कितना होता है, 9 3 कितना होता है 12 होता है, 1200 कितना हो गया 25 हो गया, तो ठीक है, ठीक इसी तरह बनता है। तो और देखो तुम्हारा ये तो था वर्ग था, और दूसरे वीडियो में हम वर्गमूल बताएंगे, तो जो कि होगा पांचवा पार्ट होगा।